रखूंगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त खत्म हो चुका है। मां से बात तुमसे मोहब्बत। हाँ तो भाई, खाई के ड्रामा सीरियल एपिसोड 24 का रिव्यू और इसकी एपिसोड 25 के प्रोमो का रिव्यू हम देंगे आपको आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई, जिस तरह से खाई ड्रामा के अंदर इसकी खाई ट्रेडिशन को दिखाया जा रहा है ना, वो कमाल है। ऊपर से जिस तरह का प्लॉट है, ट्विस्टिंग है खाई का, तो वो हम सभी देख पा रहे हैं। और अभी जो 24 एपिसोड है, इसमें खैर अभी किसी की डेथ तो नहीं हुई है, बट यहाँ पे हम बहुत कुछ अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट हम देखेंगे क्या बादल का जो प्लान है चनार के लिए वो कामयाब होगा, या फिर सच में जमदा जो है वो बादल को धोखा देगी और उसे चनार के सामने ले जाएगी। क्या या तो इन दोनों का ये प्लान होगा, क्या होने वाला है खाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड्स में, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो आपको बताते हैं, एपिसोड 24 के अंदर तो हमने देखा किस तरीके से बादशाह खान की डेड बॉडी को देख के इनकी वाइफ बेचारी पागल हो चुकी है और इनकी एक्टिंग भी बहुत कमाल की है। इसके अलावा जिस तरह से चनार जो है वो जिंदोल से बात करता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे ना बताया कि तुम्हारे साथ वो दूसरा बंदा कौन था, तो मैं तुम्हारे खानदान की औरतों को घसीट के लाऊंगा और उनके पीछे अपने गार्ड्स छोड़ूंगा। मतलब कितना संदिल बंदा है भाई, इतना कुछ हो गया, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो कत्ल हो रहे हैं, फिर भी वो सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामा की ये है कि इस ड्रामा के अंदर ना हीरो से ज्यादा विलन्स को दिखाया जा रहा है। सारे ही विलन्स हैं और उन विलन्स को ख़त्म करने के लिए हीरो की सिर्फ कुछ झलक दिखाई जाती हैं। वो झलक भी काफ़ी पावरफुल होती है, जैसे बादशाह खान के वक्त पे बादल आया और जिंदोर ने अपना बदला लेने के लिए बादशाह खान को मार दिया और इस चक्कर में जो है वो जिंदोर पकड़ा गया चनार के हाथ और अब चनार जो है वो उसे धमकियाँ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके बावजूद वो नहीं हो पा रहा, उसके सामने सहमने को तैयार नहीं और ना वो बादल का नाम लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जमदा को पता है कि कोई बंदा पकड़ा गया है, तो वो क्या करती है, जाके दोबारा से बादल को फोन करती है। अब भाई, तुम्हें किसने कहा था बादल को फोन करने के लिए? वो बादल का जो फोन है वो क्योंकि गिर चुका होता है इन लोगों के भागम भाग में और जो हाथ लग जाता है हमारे प्यारे से नटखट से बंदे के हाथ, जब वो फोन करती है तो बरलास ने फोन उठा लिया होता है। अब ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त बादल ने जो है वो फोन पे शायद जमदा का नाम नहीं लिखा, जिसकी वजह से बरदास को पता नहीं चला कि कौन फोन कर रहा है। वो हेलो हेलो करता रहा और जमदा ने अक्कल से काम लेते हुए फौरन फोन बंद कर दिया। बट यहाँ ये हो गया कि उसने जाके चनार को जरूर बता दिया कि जो फोन उसे हॉस्पिटल में मिला था, मतलब जंगल में मिला था सॉरी, तो वो उसने वहाँ पे उस पर फोन पे किसी की कॉल आई है, तो उसने क्लियरली बोला कि इसका मतलब ये है कि भाई ये जो दो भी बंदे ने फोन किया है यही वो बनता है जो जंदूल के साथ मिला हुआ है। अब कौन है किसी को पता नहीं है, बट एक बात तो है कि सबको शक जमदा पे हो चुका है और ये बात जो है वो अपर्णा ने भी की है कि भाई कोई बाहर का बंदा है और साथ में कोई घर का बंदा मिला हुआ है। जब वो बरलास से बात कर ली होती है, उसे बता रही होती है कि उसको कितना डर लग रहा है कि कहीं वो उसे ना खो दे, तो जिस पे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अब तो बाबा ने बाहर जाने से मना किया है, और वो तब कहती है कि भाई ये कोई बाहर का बंदा होने के साथ साथ कोई अंदर का बंदा भी है, और जिस पे वो क्लियरली जमदा की तरफ इशारा करती है कि भाई बाहर का बंदा तो सिर्फ जमदा ही है। तो मतलब यहाँ पे सबका शक पूरे तरीके से जो है वो उस पर आ चुका है। दूसरी तरफ बरीदा को जब बाबा क्योंकि वापस आ चुका है, दरार खान घर वापस आ जाता है, हॉस्पिटल में उनसे बैठा नहीं जाता, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो घर आके सबसे पहले बरीदा को अपने पास बुलाते हैं। जब बरीदा को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई हाँ बताओ क्या हल निकला, क्या कुछ सामने आया, जिस पर वो क्लियरली मना कर देती है कि नहीं, मेरे सामने जमदा का कुछ हल नहीं आया, मैं उसके साथ 24 घंटे रहती हूँ। इसके अलावा जो बीमार की माँ है, ओहो कमाल की एक्टिंग की है इन्होंने, जिस तरीके से रोना पीटना और जिस तरह साइको टाइप का दिखाना और जिस तरीके से वो
मतलब अपना एक्सप्रेशंस दिखाती है ना, कमाल की एक्टिंग है। इनकी एक्टिंग स्किल्स की तो दाद देनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग शायद किसी ने ना की होगी। बट खैर, हम आपको बता रहे हैं कि बरीरा से बाबा दरार खान ने पूछा था जमदा का, और जब वो नीचे आती है तो चनार भी उसे रोक लेता है। और चनार बाकायदा उससे पूछता है कि भाई तुम्हें बाबा साहब ने क्यों बुलाया, तो वो क्लियरली कहती है कि आपको पता तो है मुझे उन्होंने क्यों बुलाया होगा, और मैंने जमदा के आसपास कुछ नहीं देखा। और यहाँ पे वो कहता है कि भाई मुझे ना चाहते हुए भी जमदा की मोहब्बत पे शक करना पड़ रहा है, जो कुछ ट्रेंड चल रहा है उस पर। अब जमदा उसको खुद से हटाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी अच्छा टर्न जाने वाली है। मतलब सीरियसली नॉर्मल जो करेक्टर्स होते हैं हीरोइन के, उनसे टोटल हट के है ये करेक्टर जमदा का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होता जा रहा है ड्रामा सीरियल खाई। तो अगर हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो की बात करें, एपिसोड 25 के, उसमें ये होने वाला है दोस्तों कि जमदा चाहती है कि चनाल उसकी बात पे यकीन करे, और इस यकीन को मजबूत बनाने के लिए वो खुद अपने हाथों से बादल को चनाल के सामने ले जाएगी। क्योंकि वो क्लियरली कहती है कि ऐसा अगर मैं कर दूँ कि बादल को आपके सामने ले आऊँ, तो क्या आप मेरी मोहब्बत पे यकीन करेंगे? तो क्या वो करेगी और बादल को ले जाएगी चनार के सामने? दूसरी तरफ चनार शहरयार के साथ मिलकर कहता है कि भाई तुम चनार को, बादल कहता है कि तुम चनार को बता दो कि तुमने मुझे देखा है, जिस पे वो कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ, जिस पे वो क्लियरली कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो बचेगा तो पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि बादल एक अलग प्लान बना रहा है चनार या बंडास के लिए, और जमदा एक अलग प्लान बना रही है। तो वो किसको सामने लेकर आएगी, किसके साथ करेगी? ओवरऑल सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। अब देखना तो ये है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऊपर से एक्टिंग स्किल्स सबकी ही बहुत ज़बरदस्त हैं। दुर्गा फिशर सलीम की बात करें तो एज अ जमदा वो बहुत अमेजिंग प्ले कर रही हैं। उनका ये कैरेक्टर जो है ना, उनको बहुत आगे लेके जा रहा है। मतलब हम देखें तो इश्क मुर्शिद के अंदर वो एक अलग कैरेक्टर प्ले करते हुए नज़र आ रही हैं, और जमदा का कैरेक्टर एक बहुत हटके है। रोमांटिक सीन नहीं है इस ड्रामा के अंदर, क्योंकि ड्रामा खाई है तो खाई की प्लॉटिंग ज़्यादा दिखाई जा रही है इसके अंदर। और ये प्लॉटिंग ही है जिसने वजह से ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। इसी तरह फैसल कुरैशी की बात कर रहे हैं तो उनकी एक्टिंग भी बहुत कमाल की है। और फिर दरार खान का करेक्टर भी इतना डिफिकल्ट है, इसके बावजूद वो प्ले कर रहे हैं कि अपनी डेथ से पहले उन्होंने ये लास्ट ड्रामा खाई किया है, जिसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो इतने बीमार होंगे। बट ओवरऑल बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्रामा सीरियल खाई देखने में। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या जमदा सच में बादल को धोखा देगी, और या फिर बादल का चनार के लिए या बरलास के लिए किया हुआ प्लान कामयाब हो जाएगा? कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो हम खाई की एपिसोड 25 में देखेंगे, जो कि हमें आई थिंक वेनेसडे और थर्सडे को मिलेगी। तो खैर, अब देखते हैं क्या होता है। बट होपफुली आपको हमारा आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे आपके सामने एक और अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।